इधर जरा एक डेंजरस लुक दे दे, ये देख लो भाई साहब मगरमच्छ। मेरी जान शेरी कहते हैं फिर वो सुनिए नहीं, वो है ब्लैक पैंथर। इसके सीसी में मत जाना। आप आओ एक डांस करेंगे वो वाला तकड़े वाला, ठीक है? इधर आ जाओ डांस करेंगे। लो विजय यूके वाला। तो ये भाई लिटिल से ब्रेक के बाद आज फाइनली अपना जो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरीके से हाई है भाई। तो ये स्क्रीन में आपकी रहा अपना यारा द बुल्ट ब्लैक पैंथर, जो कि रेडी है एक बेहतरीन से राइड के लिए। क्या बात है। तो इस तरफ टैंक बैग अपना लग चुका है, इस तरफ है राइडिंग जैकेट, और बाकी आज की राइड कहाँ की रहने वाली है वो टाइटल थंबनेल देख के आपको आइडिया ऑलमोस्ट लग ही गया होगा। क्या बात है। तो लगे हाथों एक बार आपको ये मिलवाता हूँ मैं अपने सिम्बा द घड़ोली। ये है अपनी लक्ष्य रानी, और ये इस तरफ है सबसे क्यूट कोको वाशिया। हाँ उधर दूर रहे थोड़ा। हाँ ये डायनासोर राजा, ये देखो भैया बस। हाँ ये देखो, ये भैया अपनी लक्ष्य रानी। ओए दूर थोड़ा, इधर जरा एक डेंजरस लुक दे दे, ये देख लो भाई साहब मगरमच्छ। अरे लक्ष्य है यार। और ये अपना क्यूटी कोको। चल मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो भाई अब मेरी जान एकदम फुल एनर्जी के साथ हो रही है। तो ये था भैया कोको अलेक्सा और सिम्बा अपना, इनकी मस्ती पूरा दिन नहीं रुकने वाली है। टाइम एग्जैक्ट 9:10 हो गए हैं, और बाकी आज क्या है सोलो राइड नहीं है, तो आज ग्रुप राइड आपको देखने को मिलेगी। दोस्त भी निकल चुके हैं घर से, तो यहाँ से मैं भी अब 3:05 होता हूँ, सीधा मिलते हैं मीटअप पॉइंट पर। अब तो भाई बाइकें तो अभी दिख नहीं रही हैं, पर शोर यहाँ पे कानों पे साफ आ रहा है, तो राइडर अपने पहुँचने ही वाले होंगे। ये देखो भाई, ये स्क्रीन पर रहा अपना हैरी ब्रूक। क्या बात है, बाइक चेंज कर ली और दूसरी बाइक अपनी भाई ये आई। क्या बात है, लवली मॉर्निंग। बाइक चेंज कर ली है। ये कौन सी इंटरसेप्टर है क्या? हमेशा की तरह 15-20 लेट हो गई। यहाँ धूप में खड़े खड़े हालत ख़राब हो गई है। तेरे भाई ने 2-4 नारियल लपेट दिए पानी वाले जब तक। तो ये भाई आज इकट्ठा हो गया आपने संडे राइड का काफिला। क्या बात है। तो आज अपनी राइडिंग ग्रुप में है पहली बाइक है 650 हैरी ब्रूक की। क्या बात है। और ये है शेरविल, मेरी जान शेरी कहते हैं फिर वो सुनिए नहीं, वो है ब्लैक पैंथर। इसके सीसी में मत जाना, इसकी टक्कर की बाइक बनी नहीं आज तक। उससे 3500 सीसी। क्या बात है। तो यहाँ पे तो कुछ चटक धूप लग रही है भाई, यहाँ से निकलते हैं जल्दी, ठीक है ना? आगे रुको, चाय पानी पीते भाई, भूखे ही आ गया मैं। हाँ तो ये गाइस फाइनली आज की राइड भाई हमारी पूरी एनर्जी के संग स्टार्ट हो गई है। तो लेते हैं एक बार महादेव जी का नाम, हर हर महादेव, और लगे हाथों आज का ब्लॉग भाई वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेलो आर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया मजे में और तगड़े होंगे एकदम मेरी तरह। क्या बात है। और आगे बैंड वगैरह भी आ रहे हैं, तो उस पर भी फोकस करना है। तो भाई आज की जो हमारी राइड है वो है नैनीताल की, मिनी राइड आज की होने वाली है। और बाकी नैनीताल जाने के दो रूट है भाई, एक जाता है हल्द्वानी बाया काठगोदाम होते हुए, और आज हम दूसरे रूट से जा रहे हैं जो जाता है पाचपुर कालाडूंगी होते हुए नैनीताल को। और अगर मैं पर्सनली बताऊं जो नैनीताल जाने के दो रूट हैं, दो रूट में से जो ये वाला रूट है जो कालाडूंगी होता हुआ जाता है नैनीताल को, ये भाई साहब कुछ नेक्स्ट लेवल खूबसूरत है। और बाकी स्क्रीन में भाई साहब 650 दो बाइकें हमारी इंटरसेप्टर और जीटी कॉन्टिनेंटल कुछ चटक लग रही हैं एकदम। और बाकी अपने इस ग्रुप के संग राइड में काफ़ी टाइम बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 बाद लास्ट राइड हमारी थी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की। बाकी सामने लॉर्ड एल्टो में से लोग बाहर बाहर के एग्जॉस्ट की आवाज़ सुन रहे हैं। और बाकी अभी 5-7 ऊपर आए हैं, तो हवा में थोड़ा सा ठंडापन वो भाई फील होने लगा है अब। बाकी चल के देखते हैं अभी नैनीताल का क्या प्रोटोकॉल रहेगा। और बाकी वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं देखते देखते, तो लगे हाथे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें भाई, ताकि जो आने वाली हमारी बेहतरीन बेहतरीन राइड जो स्टार्ट होने वाली है वो आप मिस ना करो। यहीं रोक लो। तो ये भाई यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक लिटिल सा, चाय कॉफ़ी मैगी चलेगी यहाँ पे बढ़िया करके, और यहाँ से जो व्यू है आई थिंक वो भी तगड़ा आ रहा होगा, तो वो भी कैप्चर करते हैं। ये देखो भाई साहब सामने की घाटी आप देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये आ गया है भाई अपना ब्रेकफास्ट लंच, इसे जो मर्जी बोल लो, और आते ही बिल्कुल एकदम ढाबा बोल दिया है।
एक पूरा कर रखा ब्लॉग के लिए, नहीं तो इधर खाली कर दिए। इसके नीचे एक और है, वो छिपा रखी अलग से। नहीं भाई, तो गाइज मिलते हैं लिटिल से लंच ब्रेक के बाद, और कुछ बेहतरीन से ड्रोन शॉट लिए हैं सामने की घाटी के। तब तक आप वो एंजॉय करो, क्यों मेरी जान, तमाम एंजॉय करो। तो ये गाइस लंच ब्रेक हो गया है कंप्लीट, और आई होप कि ड्रोन शॉट आपको अच्छे लगे होंगे। अब सीधा जो ब्रेक है वो लगेगा नैनीताल चल के। इनसे थोड़ा पीछे ही रहता हूँ, नहीं तो इतना लाउड एग्जॉस्ट है, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग में दिक्कत होगी। तो ये लो जी, तो ये आ गया है सरिया ताल। क्या बात है, ला ला ला, ये बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। बाकी सरिया ताल क्रॉस करते ही व्यू देखो गाइस कितना चटक हो गया है। सामने के पहाड़ देखो ऊंचे ऊंचे। अभी मैं वहां गया था लास्ट वीक, नीति वैली उस तरफ देख रहे थे, ऐसे ब्लैक कलर के ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो भाई साहब अपना नैनीताल भी कम नहीं है किसी से। बाकी सामने ये हरियाणा नंबर की गाड़ी चल रही है, इसको पहाड़ में चलाना आ नहीं रहा बिल्कुल भी, बड़ी रॉन्ग साइड जा रहा है मोड़ वगैरह पे। और जहाँ पे बैंड पे खड़ी चढ़ाई है वहाँ दो तीन बार बंद कर दी है इसने। इसके पीछे ज्यादा मत रहो, निकल लो। ये देखो किस तरफ चल रहा, रॉन्ग साइड उस तरफ। ओ भाई साहब, लवर्स पॉइंट वाले पॉइंट से ही ये देखो गाड़ियों की लाइन, जाम देखो कितना लंबा लगा हुआ है। जो गाड़ियों पर आए हैं उनको अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी भाई साहब लेक व्यू तक पहुंचने के लिए। अपन तो नागिन डांस करते हुए निकल लेंगे। तो भाई अब जाके पार्किंग में पहुँच रहे हैं, पिछले एक डेढ़ दो किलोमीटर आने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो भाई अगर आप फोर व्हीलर से आ रहे हैं नैनीताल की तरफ को, तो अपना दिल गुर्दा कलेजा सब मजबूत करके आए, क्योंकि अच्छी खासी मशक्कत होने वाली है जाम में। तो ये भाई फाइनली पहुंच चुके हैं नैनीताल में, और नैनीताल में भी कुछ अच्छी खासी आज गर्मी हो रही है भाई। क्यों शेर भाई? बिल्कुल बिल्कुल यार, कुछ चटक है। और बाकी इस तरफ ये रहा माल रोड, नहीं माल रोड थोड़ी है, पार्किंग है। तो ये गाइस बाइक है अपनी पार्क करके, अब ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमारा लगेज वगैरह जमा हो जाए। हेलमेट वेलमेट ना, जैकेट वैकेट रखते हैं, फिर एकदम कंफर्टेबल हो गए। हेलीकॉप्टर पे हवा देंगे, वो नीचे ले जाएगा, फिर माहौल जूम करेंगे एकदम। तो ये भाई हम परेशान हो रहे थे, लगेज कहाँ रखें, अंकल कह रहे इतने रखो। अभी रखना, नीचे रख देना। ये लो अंकल जी, ये रख दो बस, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सेफ्टी के लिए। सो ये पहुंच चुका है भाई मेन अड्डे में। भैया के बहुत फोन आए बोल रहे थे गरम एयर जल्दी आ जाओ, वो कह रहे थे मैंने बार बार गैस चलाया बंद करा, चलाया बंद करा, खा के मोमो खा लो। हम फंसे हुए थे जाम में। स्वाद की क्या रिपोर्ट है? मैं कह रहा हूँ ऑर्गेजमिक मोमो, नेक्स्ट लेवल एकदम। तो ये भाई भोटिया मार्केट के स्वादिष्ट मोमो खा के एकदम गले तक। अब आ गए हैं हम नैनीताल की सबसे फेमस रोड ठंडी सड़क में भाई, तो कुछ क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, और एक बार आपको नैनीताल का लेक का व्यू दिखाते हैं, और उसके बाद से फिर यहाँ पे होगा फोटो शूट आज तगड़े वाला। तो भाई अभी जस्ट उस तरफ ठंडी सड़क में मैं था, तो थोड़ा सा अंदर इस तरफ आया हूँ, यहाँ से कुछ नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा नैनीताल लेक का। ये आप देखो, ये सेंटर में रही लेक, और लेक के उस तरफ वो रही नैनीताल सिटी, एक नंबर। और ऊपर का ये देखो भाई, आसमान में बादल कितने मस्त वाले छाए हुए हैं आज, वाइट कलर के गुच्छे से बने हुए हैं। तो अब चलते हैं भैया ठंडी सड़क में, वहाँ पे कुछ फोटो शूट कराते हैं बेहतरीन सा, एकदम चटक फोटो लेना, ठीक है? शेरगिल भाई आप आओ, एक डांस करेंगे वो वाला तगड़े वाला, ठीक है? इधर आ जाओ, डांस करेंगे, लो स्टार्ट है ना। अच्छा सर, तू आ जाओ पोस्चर में, आ जाओ पूरा, अरे कर लेंगे भाई, स्टार्ट चलो। बेबी शार्क टूर,
एक ट्राई और, एक ट्राई और, जैसे बेबी शार्क टूर। तो ये भाई कुछ तगड़े वाला डांस किया था, स्क्रीन में तो आओ। ये है अपने जिमी शेरगिल भाई, तो कमेंट करके बताना डांस कैसा लगा, क्यों। और ये है कैमरामैन अपना हैरी ब्रुक। विजय यूके वाला। इतना खराब फेस थोड़ी है, मैं कैमरा देखते ही पलट लिया जो। आधा जैसे कैमरा करा उस तरफ को हो गए। तो भाई ये आपकी स्क्रीन में रहा नैनीताल का क्रिकेट ग्राउंड, और क्रिकेट ग्राउंड या नैनीताल के ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी इसी ग्राउंड में होती है। और कुछ देर पहले नेशनल एंथम चल रहा था, तो ये जो आप चहल पहल देख रहे हैं पूरी दुनिया थम सी गई थी कुछ सेकंड के लिए, क्यों। आप भाई तुम्हारा कुछ तगड़े वाला क्रिकेट लवर है, तो सोच रहे हैं यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, एक आधा ओवर देखते हैं, उसके बाद से फिर बढ़ेंगे आगे। भैया नीचे बैठ जाना, दिख नहीं रहा साफ। तो ये गाइस अच्छा खासा इंजॉयमेंट करने के बाद फाइनली अब निकल रहे हैं नैनीताल से बैक टू द पवेलियन, घर की तरफ को। बाकी इस तरफ हाई कोर्ट है नैनीताल वाली। तो ये भाई पहुंच चुके हैं बिछड़ने वाले पॉइंट पे। लो भाई मौजा ही मौजा, मिलते हैं नेक्स्ट राइड में, चल मेरी जान। अब यहाँ से मारो हो रहा ना, निकलो फौरन। मिलते हैं नेक्स्ट राइड में। तो ये भाई फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं घर नैनीताल राइड से, और आते ही गोद में उठा लिया आपने कोको आयशा को। ये देखो भाई हाय कर दे, चल हो जा छूमंतर हो जा शाबाश। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप कि आज की जो मिनी राइड थी आपको अच्छी लगी होगी, और बाकी अभी एक बेहतरीन सी राइड आज हमने बैठ के प्लान की है जो कि आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट हो ही जाएगी। और बाकी आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियो देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो लगे हाथों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक बेहतरीन से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए चाटा बाय बाय।